टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स इवेस चौराहा मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मखदुमपुर के कार्तिक मेले की सुरक्षा के पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन देर रात शराब पार्टी के बाद गैंगवार में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक गैंगस्टर की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मेरठ के थाना हसनपुर क्षेत्र के मखदुमपुर मेले की है, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग गंगा पूजन के लिए घाट पर हैं और ऐसे में शराब पार्टी के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच जमकर फायरिंग हुई। दो आपराधिक गुटों के बीच फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद करीब आधा दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। घटना में दो लोगों को गोलियां लगी हैं। गैंगस्टर कौशिंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कौशिंदर नाम के इस व्यक्ति पर 16 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जिन दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है उन पर भी कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अपराधियों की शिनाख्त में लगी है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार जनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि वारदात में कौन से लोग शामिल थे और सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस बारे में SP देहात केशव कुमार ने क्या कहा। थाना क्षेत्र हस्तनापुर में एक व्यक्ति जिसका नाम कौशिंदर पुत्र सुहास निवासी अलीपुर मोरना है, वो गोली लगने से घायल हुआ था। तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें नामजद अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक है इसके ऊपर लूट, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर जैसे 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।